लेकिन क्या आपको मालूम है कि लगभग 100 साल पहले मर चुके लेनिन की डेड बॉडी आज भी सही सलामत है और साल दर साल निखरती जा रही है। रूस ने खास तौर पर उनके पार्थिव शरीर को संरक्षित करके रखा हुआ है। पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। जार निकोलस II के समय का रूस, जहां न सैनिकों के पास अच्छी सुविधाएं थी और न ही वहां की जनता के पास कोई अधिकार, वहां था तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादों का राज। रूस में मजदूरों और आम लोगों की जिंदगी बहुत बदतर हो चुकी थी। इन सब का कारण था वहां के राजा, जिसे रूस में जार कहा जाता है। ये वो दौर था जब वर्ल्ड वॉर I छिड़ा हुआ था। इसके चलते रूस की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति और भी खराब हो गई। जंग में न सिर्फ हजारों सैनिकों की जान गई, बल्कि देश में खाद्य पदार्थों की कमी के चलते भूखमरी के हालात पैदा हो गए। रूस उस समय कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन वहाँ के किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। वहाँ के मजदूरों से फैक्ट्रियों में 12 से 14 घंटे ड्यूटी कराई जाती थी, और वो भी बहुत ही कम वेतन पर। जार निकोलस II को वहाँ की आम जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। 1904 से 1905 में हुए रूस जापान युद्ध में भी रूस जापान से बुरी तरह से हार गया। जापान, जो कि बहुत ही छोटा सा देश था, इसके कारण लोग अपने आप को बहुत अपमानित समझते थे। ये सब जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब वहाँ की जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के मुख्य नेता थे लेनिन। उन्होंने 1917 में वहाँ के जार का तख्ता पलट कर दिया और वहाँ समाजवाद की सरकार बनी, यानी कि मजदूरों और सैनिकों की। रूस को क्रांति का रास्ता दिखाकर सत्ता तक पहुंचने वाले व्लादिमीर लेनिन का निधन 54 साल की उम्र में स्ट्रोक की वजह से हो गया था। रूस के इतिहास में लेनिन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि विश्व की राजनीति को उन्होंने एक नया रंग दिया। लेनिन अक्सर कहते थे कि बंदूक वाला एक शख्स बंदूक ना रखने वाले 100 शख्स को काबू कर सकता है। साल 1917 में कम्युनिस्ट ने अगर रूस पर कब्जा किया तो उसके पीछे लेनिन का ही दिमाग था। वो यूनाइटेड सोवियत स्पेशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि USSR के पहले प्रमुख थे। ये कहानी रूसी क्रांति के सबसे बड़े चेहरे व्लादिमीर लेनिन से जुड़ी है, लेकिन ये कहानी उस क्रांति से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि लेनिन के मम्मी में तब्दील होने से जुड़ी है। क्रांति के बाद लेनिन सिर्फ रूस में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लिविंग लीजेंड बन चुके थे। रूसी शहर गोर्की में लेनिन अपनी पत्नी के साथ एकाकी जीवन बिता रहे थे। 1922 के आखिरी महीनों के आते आते लेनिन की सेहत खराब होने लगी। लकवे के चलते शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। अब उनके लिए बोलना भी आसान नहीं था। रूसी क्रांति का जनक जिंदगी से जंग हारने वाला था। फिर वो दिन भी आ गया जब लेनिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 21 जनवरी 1924 को सुबह 6:50 पर लेनिन की मौत हो गई। 2 दिन बाद लेनिन के सबको विशेष रेलगाड़ी से गोर्की से मॉस्को लाया गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 98 साल पहले मर चुके लेनिन की डेड बॉडी आज भी सही सलामत है और साल दर साल निखरती जा रही है। रूस ने खास तौर पर उनके पार्थिव शरीर को संरक्षित करके रखा हुआ है। मौत के बाद मॉस्को के रेड स्क्वायर पर क्रेमलिन की दीवार के पास लकड़ी का एक अस्थायी ढांचा बनाया गया। इसके भीतर ताबूत में लेनिन का सब लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। लाखों लोग भयंकर ठंड में भी अपने इस नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े थे। लेकिन लेनिन का सब आज जिस स्थिति में है, उसे इस स्थिति में लाना रूसी वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौती भरा था। लेनिन की मौत से 3 महीने पहले 1923 में एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में यह तय किया जाना था कि मौत के बाद लेनिन के सब को लेकर क्या रणनीति होगी। इतिहासकारों के मुताबिक सत्ता पर काबिज जोजेफ स्टालिन का प्रस्ताव था कि लेनिन का सब आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। जनता द्वारा लेनिन को मम्मी में बदलने का विरोध भी किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के हिसाब से व्यक्ति से ज्यादा अहम संस्था होती है। लेकिन लेनिन एक बेहद पॉपुलर नेता थे। लोगों के मन में लेनिन के लिए अपार प्रेम था। ऐसे में विचारधारा के विरुद्ध ही सही, लेकिन इसका मकसद मूर्ति पूजा नहीं था। उन्हें लगा कि अगर कुछ महीनों तक सबको रखा जा सकता है तो रख लेते हैं, इसके बाद आगे सोचा जाएगा।
इस तरह धीरे धीरे स्टालिन का समय बीत गया और फिर तब से लेकर आज तक ये वही रखा हुआ है। वैज्ञानिकों को इसमें काफी दिक्कतें हुई क्योंकि 2000 साल पहले मिस्र में ममी बनाई तो जाती थी, पर यहाँ सवाल ये था कि 20वीं शताब्दी में अगर किसी शव को संरक्षित किया जाए तो कैसे। एक पहलू यह भी था कि मिस्र की ममी सूख चुकी होती थी, लेकिन लेनिन को तो जीवित समान स्थिति में रखा जाना था। जब लेनिन के शव को रेड स्क्वायर पर रखा गया तब उस वक्त बाहर का तापमान था -23 डिग्री सेल्सियस, इसलिए बेहद सर्द मौसम में लेनिन का शव नुकसान से बचा रहा, लेकिन मार्च आते आते लेनिन के शरीर पर असर दिखने लगा, यानी कि चेहरे और शरीर की त्वचा पर बैक्टीरिया का संक्रमण दिखाई देने लगा। लेनिन के शव को संरक्षित करने के तमाम उपायों पर जोरों से चर्चा होने लगी, लेकिन यह चर्चा दो वैज्ञानिक पर जाकर रुक गई, ब्रावियाव और अस्पास्की। प्रोफेसर ब्रावियाव यूक्रेन के कार्किव विश्वविद्यालय में डीन ऑफ मेडिकल एनाटॉमी थे और अस्पास्की रूस के लीडिंग बायोकेमिस्ट थे। इनके सामने लेनिन को एक आधुनिक ममी में तब्दील करने की चुनौती थी। अगर ये सफल रहे तो ममी की दुनिया में इतिहास रचा जाने वाला था। लेनिन के शव को संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक जिस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले थे उसका इस्तेमाल आज से पहले किसी ने नहीं किया था। बताया जाता है कि इसके लिए लेनिन के शव पर तकनीक के इस्तेमाल से पहले गोपनीय प्रयोगशाला में दूसरे शवों पर एक्सपेरिमेंट किए गए। संरक्षणकर्ता एक ऐसे जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल फॉर्मूले पर काम कर रहे थे जो शव के क्षरण होने की प्रक्रिया को रोक सके, यानी वो ऐसा फॉर्मूला खोज रहे थे जो लेनिन के शव को मृत और जिंदा की सीमा रेखा पर रख सके। विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला बताते हैं, मम्मी बनाने के लिए जरूरी है कि बायोलॉजिकल टिश्यू के क्षरण को रोका जा सके। मौत होने के बाद जब शरीर में जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, खून दौड़ना बंद हो जाता है, तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और कीड़े धीरे धीरे शरीर को खाने लगते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया को रोक दें तो आप बॉडी को उसी शेप में मेंटेन कर सकते हैं। ये एक ऐसी तकनीक बनने वाली थी जो कि 2000 साल पुरानी मिस्र की ममीकरण की प्रक्रिया की तरह ही मम्मी बनाने की प्रक्रिया में लेनिन के सभी अंदरूनी भागों को निकाल दिया गया। दिल और दिमाग को बाहर निकालकर कुछ दिनों के लिए सुरक्षित किया गया, बाद में इन्हें भी नष्ट कर दिया गया। इस तरह से वैज्ञानिकों को सिर्फ लेनिन के खोल को सुरक्षित करना था। बॉडी में ग्लिसरीन और पोटेशियम एसीटेट का घोल भरा गया। चुनौती इतनी बड़ी थी कि अगर इस मिश्रण का अनुपात जरा भी गड़बड़ होता तो सबको नुकसान पहुंच सकता था। ग्लिसरीन का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि सबकी नमी बरकरार रहे, और पोटेशियम एसीटेट इसलिए ताकि शरीर की आकृति और नेचुरल रंग बरकरार रहे। लेकिन ममीकरण की सबसे बड़ी चुनौती लेनिन के चेहरे और भाव को जीवित अवस्था जैसा बनाना था। इसके लिए चेहरे का रंग रोगन किया गया, आँख नाक कान के लिए अलग अलग सेट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बीतते वक्त के साथ लेनिन के चेहरे पर काले चकत्ते पड़ने लगे थे। इसके लिए वैज्ञानिकों को उनके चेहरे को बैक्टीरिया रहित बनाना था। हाइड्रोजन परॉक्साइड और एसिटिक एसिड के मिश्रण से इन संरक्षणकर्ताओं ने लेनिन के चेहरे को नेचुरल लुक दे दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर पी के सिंह बताते हैं, लेनिन के शरीर को बचाने के लिए उसमें बॉम्बिंग किया गया था। इसमें पहले बॉडी केमिकल से धोया जाता है, सामान्यतः इसके लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद केमिकल से टिश्यू को रीस्टोर किया जाता है। इस तरह लेनिन के शव को संरक्षित किया गया। हालांकि 1924 से लेकर आज तक लेनिन की समाधि का आकार और स्वरूप कई बार बदला। सोवियत संघ के पतन के बाद कई बार इस बात पर भी चर्चा हुई कि लेनिन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन लेनिन अभी भी वही है जहां 1924 में थे। क्या आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और हाँ वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।